बड़का समाचार के बाद अब बेरा है खबर छत्तीसा के। तो खबर छत्तीसा में है आज हमारे पास इंद्रावती नदी के पार दंतेवाड़ा जिला के एसपी जवान मन के संग फहराई झंडा। ऐसन करके जवान मन नक्सली मल्ला करारा जवाब दीन है। पहली यहाँ तिरंगा के जगह लाल झंडा फहरा जात रही। देखो हमारी रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिला के इंद्रावती नदी के पार बसे लिबरेटेड जोन गणतंत्र के नई गणतंत्र के आवासी मन ऊपर आजादी के बाद ले अब तक हुकूमत चलात आत रही। जी हाँ, तिरंगा के जगह लाल झंडा फहरा जात रही। मगर ए दारी दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव इंद्रावती के तट में बसे छिंदनार घाट में 70वां गणतंत्र दिवस के तिरंगा फहराई। नक्सलियों का राज चलता है। 26 जनवरी 15 अगस्त को अपने काले झंडे फहराया करते थे। गाँव वालों की लगातार डिमांड थी कि यहाँ पे पुलिया बने। पुलिया न बनने से हर साल 4 से 5 लोग डूब के मर जाते थे और 5 से 6 महीने ये इलाके जो हैं प्रशासन और पुलिस के लिए बहुत विहीन हुआ करते थे, जिसके कारण यहाँ नक्सलवाद बनप रहा था। इस बार जब गांव वालों यहाँ के जो सरपंच हैं उनके नक्सलियों ने निर्मम हत्या भी की 6 महीने पहले, जब उन्होंने पुल का डिमांड किया, तो उन्हीं को होमेज पे करते हुए हमने जो है डिसाइड किया कि क्योंकि इंद्रावती पे हमारा सीएफ का कैंप लगा है, छिंदनार कैंप, जो कि यहाँ पे 2 ब्रिज बनने वाले हैं 35-35 करोड़ के, जो कि छिंदनार में और आगे जाके पाहुड़नार को जोड़ेगा और छोटे कड़का को जोड़ने के लिए मुस्तनार से बन रहा है। लेकिन 26 जनवरी के हमारे गणतंत्र दिवस के पर्व पे भी हम अपने राष्ट्रीय झंडे का फहराते हैं, साथ ही इसके अलावा हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी इसको फहराते हैं। तो यदि अगर हम इस मायने में अगर देखें तो जैसे कि हमारा भारत का संविधान इस दिन लागू हुआ और भारत का संविधान हमारा हम सबको ये अधिकार देता है कि हम एक स्वतंत्र भारत के अंदर अपने अधिकारों के साथ जी सकें, अपने अधिकारों के साथ रह सकें, तो इस गणतंत्र दिवस पर इंद्रावती नदी के इस तट पर, नदी के इस बीच में इस झंडे के फहराने का ये औचित्य बनता है, जैसे कि हमारे एसपी साहब ने इसको संपन्न कराया कि बेसिकली भारत की जो जनता है जो इतने पिछड़े इलाके में रह रही है, इस जगह पे रह रही है, उन्हें भी उनके राइट्स जो हैं उसको मुहैया कराने के लिए प्रशासन तत्पर है और उसके लिए प्रयास कर रहा है। जैन पुल के मांग नदी के पार में बसे माढ़ इलाका के गांव मन ले लगातार होत रही। जल्द जवान मन के एक टुकड़ी ला इंद्रावती के पार बैठा के नदी में पुल निर्माण हो। दंतेवाड़ा एसपी ए नदी के पार राष्ट्रगीत के संग तिरंगा फहरा के नक्सली मन ला करारा जवाब भी दीस।